जब मैं कह रहा हूँ डूबने लगो तो अपने आप को एकदम सीधा कर लो, ठीक है? मतलब ऐसे सीधा या ऐसे सीधा? देखो ये है सीधा, तुमको लग रहा डूब रही हो तो अपने आप पैर दबा लो ऐसे पूरा दबाओ। बैग में डाल दे। भाई ये क्यों लगा रखा है? कोई सा ये हाँ। ये शिव भगवान का है। शिव भगवान का वो छाता है बारिश के लिए। बारिश जुगाड़ में कह रहा हूँ, बढ़िया आपने सेट किया है। बारिश के कोई भरोसा नहीं, कब हो जाए बारिश ना। हाँ लग रहा है कि साधन अपने पास नहीं है तो देखते रहो। चाबी वहाँ बैग में डाल दिया जाए, वो लोग अपना पॉकेट वाला देते हैं उसमें। हमारे गाड़ी तो नहीं है, नीचे नहीं जाऊँगा मैं, नीचे नहीं बोल रहा हूँ। हे एवरीवन, अब हम निकल गए हैं रिवर राफ्टिंग के लिए 16 किलोमीटर, और यहाँ पे यहाँ से शुरू हो जाता है जो कि सबसे कम वाला होता है, तो यहाँ से स्टार्ट है और बट हम जाएंगे 16 किलोमीटर दूर और वहाँ से राफ्टिंग शुरू करेंगे। तो व्लॉग में आपको सब दिखाऊंगी कि कहाँ से ये कैमरा लेते हैं, कौन देता है, और आज हम नए लैंग्वेज भी सीखेंगे, पहाड़ियों वाली लैंग्वेज, तो वो भी दिखाते हैं। चलो फटाफट से हम मूव करते हैं, और व्लॉग इंटरेस्टिंग है क्योंकि प्रॉपर मैंने रिवर राफ्टिंग का पूरा व्लॉग बनाया है, तो ज़रूर देखना और देखे बिना जाना मत। तो कैमरा ये रिसीव पहले से नहीं करते, काफ़ी दूर जाने के बाद, मतलब 16 किलोमीटर या जितने भी आपने ले रखे हैं नियर बाई, वहाँ से कैमरा रिसीव करते हो। ये गोप्रो होता है जिससे पूरा व्लॉग शूट करते हैं, फोटोज़ मिलती हैं, बट हमारा लक खराब है कि हमारे गोप्रो में चार्ज ही नहीं है, तो हम आईफोन से ही शूट करने वाले हैं। तो ये भैया यहाँ से सेटिंग वेटिंग करेंगे और जो भी इशू आएगा तो वापस से भी भैया आने वाले हैं, तो उनकी लैंग्वेज सुनेंगे क्या बात होती है। चलो मेरे कोई ना कोई हो गया है। हाँ यही वाला दे ही रहा हूँ। उधर वो तैयार हो रहा है, नहीं उसी को बना नहीं सही है, नहीं वो रेड और ब्लैक अच्छा मैचिंग है। अरे तो ना फाइनल करके टच दे के चला जाएगा ये। दे दे फिर ये वाला दे दे किसी को। यही बस स्पोकन की क्लास शुरू करो। अभी बताइए हम क्या क्या करेंगे यहाँ से। हम अभी ये करेंगे, हार्ड वर्किंग करेंगे। हाँ। और पैडल फॉरवर्ड और बैक फॉरवर्ड और गेट डाउन और कुछ बहुत होता है इसमें एडवेंचर लाइन में। हाँ। तो अभी आपको बता दूंगा सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, ठीक है?
राफ्टिंग स्टार्ट करने के पहले ये सेफ्टी इंस्ट्रक्शन बहुत डिटेल में देते हैं, जो कि मैंने कैप्चर प्रॉपर किया है, तो आप पहले ही देख लो और आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। बट जब भी आप जाओगे तो आपको वो सामने से भी बताएंगे, तो चलो फटाफट से वो भी दिखा देते हैं। और अंदर पहले ही हमें डिप करा के निकाल के भिगो के फिर हमें ले जाएंगे, तो एडवेंचर डबल हो जाना है। चलो, चैम्बर लीकेज हो गया, डैमेज हो गया, तो कोई बात नहीं, आज चैम्बर में हम शिफ्ट जाएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं पैरस पैडल को, थ्री पार्ट में डिवाइड होता है, फर्स्ट डी, सेकंड शॉट, थर्ड में बिलेट। आपने किस तरह से होल्ड करना है इसको, साइड थंब डाउन और थ्रो फिंगर टॉप, जस्ट हैंड नेल देते हैं, 90 डिग्री का एडवर्स होना चाहिए, ठीक है। और रात में बैठना किस तरह से, प्रॉपरली आउट साइड बैठना है, बाहर की तरफ प्रॉपर साइड चैम्बर में बैठना है, ठीक है। जो राइट साइड में बैठेंगे, राइट वाला पाँव आगे रहेगा और लेफ्ट फुट पीछे रहेगा, ठीक है। प्रॉपर आउट साइड बैठना है, सेम पोजिशन है जो सेकेंड पोस्ट में बैठेंगे, और राइट वाला आगे और पीछे लेफ्ट वाला, ठीक है। और रिवर में चलते के समय में हमारा बेसिक कमान होता है, फोर कमान, वो आप लोगों ने फॉलो करना होता है, ठीक है। फर्स्ट कमान है ऑल फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड में क्या करना है, बॉडी को आगे तक झुकाना है, फ्रंट टू बैक आगे से, ठीक है। सेकंड में स्टॉप, स्टॉप में क्या करना है, पैरस को थाई को ऊपर में रखना है और रस्सी को पकड़ लेना है, ठीक है। तीसरा कमान है ऑल बैक, पैरस बैक को पीछे से आगे। चौथा कमान है इमरजेंसी कमान, लगता है गाइड बोट टपल होने वाला है, बोट रॉन्ग साइड जा रहा है, तो आपको गाइड बोलेगा एवरीबॉडी गेट डाउन। गेट डाउन में क्या करना है, खुद ही रस्सी को होल्ड करना है, अंदर तरफ झुक रहा है, ठीक है। कभी कभार कोई बंदा फिर भी घबराना नहीं है, जो आपने लाइफ जैकेट पहना है, हेलमेट है, पैरास है, ये सब पीएफ फॉलोटेबल है, ठीक है। कोई बंदा फिर भी जाते तो क्या करना है, बोट को रस्सी के गिरता है, वो बोट के चारों तरफ ये रस्सी है, इसको कहते हैं लाइफ लाइन, इसको पकड़ने की कोशिश करना है। फिर भी आपके पास ये रस्सी नहीं आया हाथ में, तो आपके पास रहेगा पैडल, पैडल से पैडल को भी रेस्क्यू हो जाता है। पहले सारे डालो, फिर लास्ट में डाल दूंगी, मेरा तो ब्लॉग नहीं डालेंगे, सिर्फ हमारे ही डालने, अरे वहां जाके ले लेंगे, कोई नहीं, चलो हमें इसमें। लो अभी तू मदद करो, पूरा आएगा, लो चलो बोलो, बोलना नहीं है अभी, कुछ नहीं बोलना, अभी बहुत सारी चीजें हमारे में कौन था भाई, क्या नाम था आपका, संतोष भाई सेक्सी बैठ जाओ कूदो, अभी कूदवाएगा थोड़ी देर, जब कूदूंगी तब ब्लॉग बनाएगा, ठीक है। और आप लोग ब्लॉग में देख के अच्छा लग रहा है तो फटाफट कमेंट में लिखो, ठीक है। बात करे उनको तो नहीं पल्ले पड़ेगा, क्या बोले स्टॉप चलो भाई पकड़ने के लिए गया है ये।
ये पकड़ो आगे वाला, ये वाला कौन गया? गिर गई थी क्या? पानी में नहीं जाना चाहती थी। अरे बैठे हैं, रैपिड है इसलिए बोल रहा हूँ। रैपिड भाई आगे होना पड़ेगा, निकल जाएगी ऐसे ही। सब कूद गए। अरे यार उनको सही कुदाए थे यार भाई, उनको देखो कुदा दिया। अब हम लोग कूद जाएं लास्ट वाले में, जब लास्ट थोड़ा धीरे हो जाएगा तब नहीं कुदाओगे। अभी 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 वो खुदाएगा, फिर हम लोग इधर से जैसे वो बना रहे वैसे इसको फोन बनाएंगे। हाँ ठीक है। 4 मिनट 5 मिनट बंद कर दूं क्या? अब सही है, चलो बाकी लोग करो। बाकी लोग काम पे लग जाओ। फाइनली मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया और वो भी सब ख़राब कर दिया, क्योंकि सारा कुछ स्लो मोशन में बन गया था और फिर मैंने अभी स्पीड में लगाया था कि वीडियो थोड़ी जल्दी जल्दी चल पाए, तो वीडियो तो जल्दी जा रही है लेकिन कुछ वॉइस जो मैंने बोला था कुछ भी नहीं आया। मैं एग्जांपल दिए बिना मानूंगी नहीं, तो पहले आप सुनो फिर मैं आगे मिलती हूँ। सुन लिया, समझ आई क्या बात की है मैंने? तो अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि हम पहाड़ी लैंग्वेज सीखेंगे, तो ये मैं पहाड़ी बहुत जल्दी सीख गई यार, जस्ट जोकिंग, बहुत ही वाहियात फनी जोक था। बट यार क्या ही कर सकते हैं, हो जाता है ऐसी चीज़ें। मैं पता है जब भी अच्छा कुछ करने की कोशिश करती हूँ ना हमेशा ही ख़राब हो जाता है, तो मैंने सोचा व्लॉग में मस्तियाँ करते करते प्रोफेशनल शूट करूँगी, बट वॉइस कवर ही नहीं आया। वॉइस कवर नहीं आया तो मज़ा आएगा ही नहीं, क्योंकि हमने बहुत ही फ़नी बात करी थी और ये जो भैया बैठे हुए हैं इन्होंने कहा था चल तुझे अंदर डिप कराता हूँ, बट बहुत अब क्या ही बताऊँ मैं, मज़े नहीं आने वाले क्योंकि अब मैं वॉइस कवर दूंगी तो वो फीलिंग नहीं आएगी ना। चलो ठीक है, तो फिर भी हम मस्तियाँ करें, आप एक्सप्रेशन से समझ लो क्या मस्तियाँ करी हैं हमने। ठीक है, यहाँ पीछे जगह दे रहा छोटू, मजा है। तू इसके डाल पर जा, इसने डुबोना दिए। हे भगवान, तू तो फोन में भी नहीं आ रही। वांग, तू तो फोन में भी नहीं आ रही। नू तक ये वापस ऊपर आएगी, तू नाक का ध्यान रखी बस, पानी ना चल जाए नाक में। हाँ पूछ जा, आ जाएगी ऊपर आ जाएगी। मेरा तो कोई नहीं गया आपका भाई, इधर आओ, इधर आके आओ, यहाँ से ये पकड़ लो। हम लोग तो जब रस्सी थी बहुत दूर चले गए थे, रस्सी पकड़ लो, क्या दो रहा है, रस्सी पकड़ लो, चलो शुरू करो। सुनो जो तकिया लगी पीछे, बस धीरे धीरे छोड़ो, बस वरना भूल जाना। छोड़ो जाओ, कुछ नहीं होगा।
जब मैं कह रहा हूँ डूबने लगो तो अपने आप को एकदम सीधा कर लो, ठीक है? ऐसे सीधा या ऐसे सीधा? देखो ये है सीधा, तुमको लग रहा डूब रही तो अपने आप पैर दबा लो ऐसे पूरा दबाओ, मतलब पहले लेटो ऐसे पूरा लेट, हाँ चलो चलो बोलो जो बोलो। स्विमिंग क्लासेस दे रही हूँ, सीख लो भैया। जैसे आगे डूबो तुरंत पीछे घूम जाओ, सही था ना? सही था ना? नाम ही नाम है कि मैंने तो लगता नहीं कि बिल्कुल उस किनारे से लो जवानो जवानो रास्ते चलाओ, कामयाब हुए आने के लिए खीर मिलेगी और शहीद हुए तो हूर मिलेंगी। चलो 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 जवानो हाथ चलाओ, उसमें नहीं जा सकते वो सिर्फ का फ्लो है, कैसे चले? मारो 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 गहरी मारो गहरे गहरे सारी तो फोन बार बार आके हट जाता है। ऑन किया था कैमरा? हाँ करेक्ट है, पूरा है। एक और क्या करना है भाई, घुमाने उल्टा आजे के सारे किलो आ गया। ले ले यार।